हेलो एवरीवन, वेलकम इन आरके ट्यूटोरियल सिमडेगा यूट्यूब चैनल। मैं आरके सर, आज मैं आप लोग को एनसीईआरटी 10th क्लास पर बेस्ट मॉडल प्रश्न बताने जा रहा हूं। पिछला क्लास में हम लोग सेट वन शुरू किए हैं, उसमें सेक्शन ए समाप्त कर चुके हैं। आपको पता है इसमें तीन सेक्शन है, पहला सेक्शन खत्म हो चुका है मतलब ए। तो चलिए आज शुरू करते हैं सेक्शन बी, क्योंकि इसमें भी कितना प्रश्न है, सात, लेकिन उसमें कितना बनाना है आपको, कितना, फाइव बनाना है, पांच बनाना है ना। तो चलिए देरी नहीं करते हुए क्वेश्चन नंबर आठ मतलब सेट बी का पहला क्वेश्चन शुरू करेंगे। बिंदुओं पांच माइनस छह और माइनस एक माइनस चार को जोड़ने वाले रेखाखंड को वाई अक्ष किस अनुपात में विभाजित करती है। बहुत आसान है, देखिए हम लोग हल करते हैं तो दो बिंदु दिया हुआ है ना, ये वाला और ये वाला ले लेते हैं सबसे पहले, ताकि आपको हल करने में सुविधा हो। आपका हो गया बिंदु ए, बिंदु बी मान लेते हैं यहाँ पर, ये हो गया आपका पांच और माइनस छ, फाइव एंड माइनस सिक्स, यहाँ पर माइनस वन और क्या हो गया माइनस फोर। अब किस अनुपात में बोलता है, तो मान लीजिए वो अनुपात क्या है, के अनुपात वन। जब कोई दिया हुआ नहीं रहता है ना, तो उसको केस टू वन लेके हल कीजिएगा। मतलब यहाँ कोई भी लिख सकते हैं आप, कोई भी अक्षर आप यहाँ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम लोग यहाँ निर्देशांक में इसी को ज्यादा मानते हैं, तो इसको कोई नाम दे देते हैं पी। तो निर्देशांक बिंदु बराबर क्या होता है, ध्यान रखिए, निर्देशांक बिंदु बराबर क्या होता है। लेकिन एक चीज बता दूं, ये निर्देशांक बिंदु से पहले ना एक काम कर लीजिए आप, इसको क्या कीजिए आप, इसको मान लीजिए x1 y1, क्योंकि आपको पता ही होगा ये हो जाएगा क्या x2 y2। फिर क्या कीजिए, इसको रख दीजिए m1 s2 m2। तब आते हैं निर्देशांक बिंदु। तो निर्देशांक बिंदु बराबर क्या होगा, ध्यान रखिए, निर्देशांक बिंदु बिंदु बराबर आपके पास है ना m1 प्लस m2, यही आपका फॉर्मूला है। फिर क्या चल जाएंगे हम लोग यहाँ पर, m1 इंटू x2, m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 हो गया। फिर ये तो x वाला है ना, y वाला के लिए भी हम लोग जाते हैं, वही m1 प्लस m2, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा m1 इंटू y2 प्लस प्लस क्या होगा m2 इंटू y1, ये आपका फॉर्मूला है निर्देशांक बिंदु ज्ञात करने का। ये m1 is to m2, सॉरी m1 प्लस m2 क्या है, ये वाला k is to 1। तो चलिए इसी के अनुसार हम लोग वैल्यू पुट करते हैं, तो क्या मिलेगा आपको यहाँ पर, थोड़ा ध्यान देने योग्य है यहाँ पर, m1 प्लस m2, m1 क्या हो जाएगा आपके पास k, k प्लस क्या हो गया 1। आपको क्या देखना है यहाँ पर, m1, m1 तो आपका k हो गया, तो k मैं लिख दिया, फिर क्या हो गया इंटू m1 इंटू x2 का मतलब क्या होता है, ये m1 है आपका, m1 इंटू x2 का मतलब क्या होता है, m1 गुना x2, तो गुना डाल दिया मैं, x2 का वैल्यू आपके पास क्या है माइनस वन, तो माइनस वन डाल दिया। फिर देखिए प्लस है तो प्लस डाल देते हैं यहाँ पर, फिर क्या बोलता है m2, m2 का वैल्यू वन, तो लिख दिया मैं वन, इंटू x1 का वैल्यू क्या है आपके पास फाइव, तो मैं क्या डाल दिया फाइव, ये तो प्लस में है कोई दिक्कत नहीं है, इसको मैं थोड़ा बीच में कर दूं ताकि आपको अच्छा लगे k प्लस वन। अब y वाला पार्ट को भी तो करना है ना, तो सेम m1 प्लस m2 मतलब k प्लस क्या हो जाएगा वन। अब क्या कीजिए आप, फिर m1 तो फिर k लिखिए इन टू, अब y2 है, y2 के स्थान पर माइनस फोर लिख दिया मैं माइनस फोर, फिर प्लस का प्लस m2 के स्थान पर 1 इंटू वाई वन क्या है आपके पास देखिए माइनस सिक्स, क्या है माइनस सिक्स हो गया, इसको ब्रैकेट में बंद कर दीजिए। अब इसको हल करना है, तो हम लोग ये सेट करते हैं हल, हेल्प कैसे कैसे करें, ध्यान रखिए यहाँ पर ना, यहाँ पर k और माइनस वन, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये क्या कीजिएगा माइनस k हो गया ऊपर में, प्लस का प्लस, फिर हो गया आपके पास पांच एक का पांच बटे है ना, ये पांच का पांच हो गया, के प्लस वन तो रहेगा ही रहेगा, के प्लस क्या कर दीजिए वन, फिर वाई वाला को आइए, फिर वही के प्लस वन ही हो जाएगा आपके पास, यहाँ चिन्ह के साथ चार और के को क्या हो गया माइनस क्या होगा फोर के, इसको ठीक से लिखते हैं माइनस फोर के आ गया, माइनस फोर के हुआ ना यहाँ पर, फिर प्लस का प्लस नहीं, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा ये तो वन है ना आपके पास, ये है वन, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और छ का क्या हो जाएगा छ, ये आपका ब्रैकेट बंद हो गया। आइए फिर से कुछ हल करना है, कुछ नहीं करना है,
आगे थोड़ा ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि हमको निकालना क्या है। इसके बाद प्रश्न क्या बोलता है उसको देखते हैं। रेखाखंड को y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करता है, मतलब y अक्ष पर गौर करना है। तो क्या करेंगे, क्योंकि बिंदु बिंदु y अक्ष में क्या है, स्थित है। y अक्ष में क्या है, स्थित है। आराम से बनाइए, बाद में आप सीख जाइएगा, फास्ट बनाइएगा। इसलिए y अक्ष पर भुज जीरो होता है। क्या होता है, जीरो होता है। इसके बाद समझिए इसको थोड़ा सा, भुज क्या होता है, जीरो होता है। इसको ना हम ग्राफ में भी बता सकते हैं आपको, लेकिन अभी ग्राफ में बताते जाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। बस इतना ध्यान रखिएगा, यदि y अक्ष बोलेगा तो x वाला को जीरो के बराबर कर दीजिए, यदि x अक्ष बोलेगा तो y वाला को क्या कर दीजिए, जीरो कर दीजिए। उल्टा कीजिएगा, यहाँ y अक्ष बोला है ना, तो हम लोग x वाला को जीरो करेंगे। इतना बराबर क्या मानेंगे, जीरो, क्योंकि क्या बोला, y अक्ष पर भुज होता है। इसका मतलब यही होता है शॉर्टकट तरीका से, नहीं तो वही ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ के अनुसार आपको मैं बताऊंगा, लेकिन इतना से काम चल जाएगा और पूरा मार्क्स आपको मिलेगा। इसलिए नहीं लिख के क्या कर देते हैं, अतः क्या होगा, ये वाला पार्ट देखिए, माइनस के प्लस फाइव बाय के प्लस क्या हो जाएगा, वन, बराबर क्या, जीरो, क्योंकि वाई अक्ष पर भुज क्या होता है, शून्य होता है। इसीलिए अब क्या करते हैं कि जीरो का मतलब क्या है, यहां पर जीरो बटे वन है ना, तो क्या कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो कोई भी संख्या चक्रीय गुणन ना, यहां से इसको वन से गुना कीजिएगा तो क्या होगा, माइनस के प्लस फाइव बराबर क्या होगा, यहां कोई भी संख्या को शून्य से गुना करने पर शून्य होता है, तो माइनस के बराबर क्या होगा, फाइव को उधर ले जाइएगा तो माइनस फाइव हो गया, तो माइनस माइनस कटा तो के बराबर क्या हो गया आपके पास, फाइव। तो इसलिए वह अनुपात क्या करेंगे, इसलिए वह अनुपात बराबर क्या होगा, इसलिए वह अनुपात बराबर क्या हो गया आपका, देखिए के इस टू वन है ना, तो के स्थान पर क्या आ गया, फाइव इस टू क्या, वन, यही आपका क्या बनता है, आंसर। यही तो आपको लाना था, उम्मीद करूं समझ में आया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 हो गया तो क्वेश्चन नंबर 9। आपका क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, उस त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष ए 5 2, बी 4 7 और सी 7 -4 है। क्या करना है, क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला से बनेगा, ये भी निर्देशांक का ही है। तो चलिए शुरू करते हैं, हल में आसान है। तो क्या करना है, सबसे पहले तो क्या करना है, चित्र बनाना है ना, तो चलिए बना लेते हैं सबसे पहले, क्योंकि त्रिभुज बोला है तो त्रिभुज बनाना है ना। तो मान लेते हैं ये ए शीर्ष हो गया, ये हो गया बी, ये हो गया आपका सी। तो क्या करना है, ए का मान आपके पास कितना है, देखिए 5 और 2, तो लिख दीजिए यहाँ 5 और क्या हो गया 2। यहाँ बी का मान देखिए क्या है, 4 और 7, तो हम लोग क्या ले लेंगे, 4 और 7, यहाँ लिख लिया 4 और 7। फिर सी का मान देखिए 7 और -4 डाल दिया ना, आपको पता होना चाहिए और पता ही होगा। मैं इसको थोड़ा ऊपर लिखता हूँ हल को, ताकि हम लोग को क्या करते हैं, नंबर लिखने में सुविधा हो। ये x1, ये y1 हो जाता है आपका, हर एक चीज को लिख दे रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। x2 क्या हो गया, y2, ये क्या होगा, x3 और y3, इसका भी फॉर्मूला है। तो क्या कीजिएगा, इसके बाद ये चित्र बन गया आपका। तो क्या करना है, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, का क्षेत्रफल, इसको मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप पूरा लिख लीजिएगा, बराबर नहीं भी लिखेगा कोई दिक्कत नहीं है, हाफ इंटू मतलब 1/2 गुना एक्स इंटू क्या होगा, y2 - y3, फिर प्लस हो जाता है, फिर आपका x2 आता है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ देख रहे हैं ना x1 x2 x3 है, यही वाला आएगा। फिर ले लीजिए आप क्या, y3 - y1, फिर ले लीजिए x3 - y2, ये आपका फॉर्मूला हो गया। इस फॉर्मूला में पुट करना है वैल्यू और आंसर आपको मिल जाएगा फटाफट। देखिए कोशिश करते हैं भरने का, बराबर 1/2 हो गया ना, x1
एक्स वन बोले तो कहां से लीजिएगा, देखिए यहां से फाइव, तो मैंने लिया क्या फाइव, फिर एन टू बड़ा चिन्ह डालते हैं क्योंकि माइनस प्लस है ना, यहाँ क्या है वाई टू, खोजिए वाई टू, यहाँ मिलेगा आपको सेवन, तो मैं डाल दिया सेवन माइनस वाई थ्री, खोजिए यहाँ से माइनस फोर, तो ये तो फॉर्मूला वाला चिन्ह है ना, ये माइनस फोर प्रश्न से ब्रैकेट बंद हो गया, प्लस का प्लस डालिए, एक्स टू आपको चाहिए, एक्स टू आपके पास क्या फोर, मैं डाल दिया फोर इन टू, फिर आपके पास क्या आया वाई थ्री, वाई थ्री का है माइनस फोर, अब ये लिखे हैं माइनस फोर, फिर माइनस वाई वन है ना आपके पास, वाई वन क्या है देखिए टू, तो मैं डाल दिया यहाँ पर टू, हो गया बंद, फिर प्लस हो जाएगा एक्स थ्री, एक्स थ्री का मान कहाँ सेवन, फिर देखिए सेवन इन टू वाई वन है, वाई वन क्या है आपके पास देखिए यहाँ पर ऊपर मिलेगा दो, फिर दो माइनस वाई टू नीचे है सेवन, तो क्या लिख दिया मैं सेवन, या तो इसमें छोटा ब्रैकेट भी डालिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि देखिए प्लस में है ना, इसलिए अपनी सुविधा के अनुसार आपको डालना है, एक्स थ्री था तो देखिए एक्स थ्री का मान डाला ना सेवन, उसके बाद वाई वन है तो वाई वन का वैल्यू क्या है आपके पास टू, तो मैं डाल दिया टू, फॉर्मूला से माइनस वाई टू आपके पास क्या है सेवन, दिख रहे ना यहाँ पर सेवन, तो मैं डाल दिया सेवन, ब्रैकेट बंद, अब हल कर देते हैं क्या हो जाएगा एक बटे दो, फिर देखिए क्या हो गया पांच, इसको एक बार हर कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पर चिन्ह में गड़बड़ाइएगा नहीं, तो मैं तो एक ही बार कर दूंगा लेकिन आपको दिक्कत होगा इसलिए और एक स्टेप बढ़ देता हूँ, सेवन माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, है ना आपको पता ही है माइनस माइनस क्या हो जाता है जी प्लस, तो यहाँ लिख देंगे फोर, फिर प्लस हो जाएगा यहाँ पर देखिए फोर, यहाँ पर तो डायरेक्ट हल हो जाएगा, क्यों क्योंकि ब्रैकेट का क्या होता है इन टू, मैं डाल दिया ना ब्रैकेट का क्या मैं डाल दिया इन टू, फिर देखिए माइनस माइनस प्लस, तो क्या करेंगे जोड़ेंगे, तो छः चार और दो क्या हो गया छः, लेकिन देखिए दोनों का चिन्ह माइनस है ना, तो बड़ा का चिन्ह लिख देना है माइनस, तो डाल दिया मैं यहाँ माइनस खत्म ना, फिर प्लस डाल दीजिए आप यहाँ, क्या डाल दीजिए सेवन, सेवन डालिएगा, अब देखिए डायरेक्ट इसको इन टू कीजिए क्योंकि अंदर में खाली एक ही चिन्ह है ना, ब्रैकेट में क्या गुना, फिर सात में दो घटा दीजिएगा, क्यों प्लस माइनस माइनस, सात में से दो घटाइएगा तो क्या होगा आपके पास पांच मिल जाएगा ना, सात में से दो घटाए तो क्या मिलेगा पांच, बड़ा का चिन्ह माइनस, तो यहाँ पर भी ये फाइव रख लीजिए, हो गया, चिन्ह पर ध्यान रखनी है सबसे बड़ी बात है, चिन्ह पर ध्यान रखिएगा आराम से बनेगा आपको, देखिए फिर हाफ हो गया, फिर पांच का पांच गुना सात चार क्या हो गया ग्यारह, देखिए यहाँ पर प्लस माइनस माइनस डाल दीजिए माइनस, छह चौके चौबीस, फिर प्लस माइनस माइनस यहाँ भी सात पच्चे पैंतीस, हल कीजिए भाई एक बटे दो, फिर आ जाएगा आपके पास और एक स्टेप, क्या ग्यारह पच्चे क्या हो जाएगा पचपन, हो गया ना ये माइनस माइनस एक कैटेगरी का इसलिए जोड़ देंगे, लेकिन लिखेंगे क्या माइनस, इसलिए पांच और चार कितना हो गया नौ, हो गया ना पांच चार नौ, फिर तीन दो क्या हो गया पांच फिफ्टी नाइन, क्या हो गया फिफ्टी नाइन, तो देखिए यहाँ पर एक बटे दो, अब ब्रैकेट को हटा देते हैं, ब्रैकेट मतलब गुना आप जानते हो, यहाँ पर फिफ्टी नाइन में फिफ्टी फाइव घटाइए, क्यों क्योंकि इसका प्लस है इसका माइनस, प्लस माइनस माइनस, तो फिफ्टी नाइन में फिफ्टी फाइव घटाइएगा मतलब उनसठ में पचपन घटाइएगा तो क्या मिलेगा माइनस क्या हो जाएगा फोर, तो काट देना है क्या दो दूना चार, हालांकि क्या है माइनस दो आया इसका आंसर मात्रक, क्या मात्रक, इसलिए आप लिख दीजिएगा त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, या तो पूरा लिख देता हूं यहां पर अभी, क्षेत्रफल बराबर दो वर्ग क्या हो गया मात्रक, क्योंकि क्षेत्रफल है इसलिए क्या लिख दीजिएगा यहाँ पर वर्ग मात्रक लिख दीजिएगा, यही आपका क्या होगा आंसर, तो इस तरह से आप बना लीजिएगा, बस ध्यान रखिए कि जब भी क्षेत्रफल निकालेंगे ऋणात्मक में भी हो तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि क्षेत्रफल माइनस में नहीं आता है मतलब ऋणात्मक नहीं होता है, तो उसको क्या ले लेंगे हम लोग पॉजिटिव लेंगे मतलब धनात्मक लेंगे, इसलिए त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर कितना हो गया दो वर्ग मात्रक, जो यहाँ से हम लोग शुरू किए, इस तरह से बना लीजिएगा, बस यहाँ क्या ध्यान देना है कि कभी भी आप हल करते हैं तो माइनस प्लस को ध्यान रखिए, नहीं तो फिर आपका आंसर क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा, ये कठिन नहीं है बस फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है,
फॉर्मूला को याद रखिए, आराम से प्रश्न बनेगा, तो उम्मीद करो समझ में आया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। प्रश्न संख्या 10 क्या बोलता है कि धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है, मतलब सीधा खड़ी है। मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर स्थित बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या करना है? मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। बहुत आसान प्रश्न है, ध्यान रखिए। हल में क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले चित्र बनाने का प्रयास करते हैं। देखिए, मान लीजिए मीनार की जो ऊंचाई है, ये भी मान लेते हैं, ये मान मीनार की ऊंचाई क्या है, ए बी। मीनार के पाद बिंदु से बोला है ना, तो देखिए पाद बिंदु, यहाँ पाद बिंदु, यह मीनार की किसी बिंदु से, मान लीजिए यहां ले लेते हैं, कितना मीटर की दूरी पर, 15 मीटर की दूरी पर, ये 15 मीटर की दूरी पर है। यहां से किसी बिंदु, मान लीजिए वह बिंदु क्या है, सी, ये सी बिंदु से मीनार के चोटी को देखते हैं। क्या करते हैं, मीनार की चोटी को ऐसा देख रहे हैं, मीनार की चोटी को देखे तो इसका जो कोण बनता है यहां से कितना डिग्री का है, 60 डिग्री का है। अब मीनार सीधा है तो ये 90, मतलब क्या हुआ, समकोण त्रिभुज बन गया ना। अब जब भी ये त्रिकोणमिति का ऊंचाई दूरी का प्रश्न है तो क्या बोलते हैं, जब भी ये मीनार होगा तो यहाँ पर 90 डिग्री होगा, और त्रिकोणमिति का ऊंचाई दूरी के लिए भी यहाँ पर 90 होना चाहिए, मतलब समकोण त्रिभुज होना चाहिए। तब इसका आपको दूरी मिल गया, आपको इसका निकालना है, मतलब मीनार की ऊंचाई का मान निकालना है। कैसे निकालेंगे, बहुत ही आसान है। इसको क्या करते हैं, लिखते हैं। सबसे पहले तो चित्र हमारा कंप्लीट हो गया, तो क्या करेंगे, माना कि क्या मान लिए, मीनार के पाद बिंदु से अन्य बिंदु सी के बीच की दूरी बराबर कितना है जी, दूरी बीसी, तो ये बीसी बराबर कितना हो गया, 15 मीटर, ये दे दिया है प्रश्न में। अब क्या दिया है, कोण बीसीए बोलिए या तो एसीबी बोलिए, हम लोग क्या बोलते हैं, कोण एसीबी उधर से ले लेते हैं, बराबर कितना, 60 डिग्री है ना। या तो थोड़ा मैं इसको लिख दूं ताकि यहां पर अच्छा लगे, कोण एसीबी बराबर कितना, 60 डिग्री। तो हमको क्या निकालना है, मीनार की ऊंचाई, क्या करेंगे, मीनार की ऊंचाई क्या बोलता है जी, मीनार की ऊंचाई देखिए क्या, ए बी, मीनार की ऊंचाई ए बी बराबर व्हाट, यही निकालना है। कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान, कैसे कीजिएगा, त्रिभुज ए बी सी में, आप त्रिकोणमिति में पढ़े हैं कि ये वाला P है, ये B है, ये H है, तो ध्यान रखिए यहां पर ये थीटा का मान क्या दे दिया है, 60 डिग्री। तो रिलेशन कहां बनाना है, जो दिया हुआ है और जो निकालना है, तो ये P हो गया, ये क्या B, तो P और B के बीच में रिलेशन कौन बनाता है, कौन सा त्रिकोणमिति अनुपात, साइन कॉस टेन होता है ना, 6 होता है, साइन कॉस टेन, साइन का उल्टा कोसेक, फिर कोस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कोट। तो देखिए P और B में, मतलब लंब और आधार में रिलेशन कौन बनाता है, संबंध कौन बनाता है, टेन, तो लेंगे टेन थीटा, तो थीटा के स्थान पर 60 डिग्री है ना, टेन 60 डिग्री बराबर P बाय B होता है। अब देखिए P का वैल्यू क्या है, AB जो हमको चाहिए, और B का वैल्यू आपके क्या क्या है, BC, मैं डाल दिया, आप वैल्यू पुट करिए, टेन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, रूट 3, आपको याद रखना पड़ेगा, टेन 60 है ना, 10-30 ये ज्यादा आता है। अब नहीं याद होगा तो देख लीजिएगा कैसे उसको निकालते हैं, मैं वीडियो में ऑलरेडी डाल चुका हूं, आप उसको देख लीजिएगा कैसे निकालते हैं। अब आइए यहां पर ए बी हमको निकालना है। अब नीचे बीसी की दूरी कितना है, 15, तो मैं लिख दिया 15। अब कुछ नहीं है, मतलब नीचे 1 है ना, तो इसको हल कर दीजिए, तो ए बी ए का क्या हो गया, ए बी बराबर आप 15√3। यदि आप चाहें तो यहां भी आंसर लिख सकते हैं, लेकिन यदि आप चाहें तो यहां पर क्या कर दीजिएगा कि 15 गुना
रूट थ्री का वैल्यू क्या होता है 1.73। इसको क्या कीजिए, गुना कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। आपको पता ही होगा पहाड़ा, तो क्या हो गया 15 × 45 के कितना हो गया आपके पास 5, हाथ में क्या है 4, 15 × 7 = 105, 105 और 4 109, 109 का क्या हो गया 9, हाथ में 10, 15 × 15, 15 और 10 क्या हो गया आपके पास 25, लिख दीजिए 25। अब देखिए यहाँ पर क्या बोलता है, दशमलव बाद कितना, 20, दो संख्या है ना 1, 2, तो यहाँ पर लगा दीजिए, तो इतना मीटर क्या हो गया इसका आंसर, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग लिख चुके हैं ना यहाँ पर मीनार ऊंचाई बराबर ए बी, तो ए बी निकाल लिए ना, देख रहे हैं ए बी, तो 25.95 मीटर क्या है मीनार की ऊंचाई है। अब यहाँ पर भी आंसर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपका एनसीईआरटी बुक देखिएगा तो यहीं पर आंसर लिखेगा, लेकिन आप यहाँ भी कर देते हैं तो बुरा नहीं है। तो उम्मीद करूँ यह क्लियर हो चुका होगा, बहुत ही आसान है, तुरंत फटाफट बन जाएगा, इसलिए ऐसा बना लीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, आने की संभावना है। तो मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। प्रश्न संख्या 11 क्या बोलता है, यदि टेन ए बराबर कोट बी हो तो सिद्ध कीजिए कि ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री, ये लाना है, हमें अंडरलाइन भी कर दिया हूं, देखिए वही लाना है। तो हल में क्या कीजिए, बहुत आसान, एकदम तुरंत बनेगा, देखिए क्या दिया हुआ है, उसको लिख दीजिए, दिया हुआ है कि, एकदम फटाफट बनेगा, देखिए टेन ए बराबर कोट बी है ना, टेन ए बराबर कोट बी है। आप क्या जानते हैं कि टेन थीटा बराबर कोट 90 डिग्री माइनस थीटा, और कोट थीटा बराबर टेन 90 डिग्री माइनस थीटा, इसी में चेंज करना है, इसको ना बाया पक्ष को रहने दीजिए, टेन ए, आप इसको बदलिए, कोट थीटा बराबर टेन 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा क्या है बी, लिख दिया मैं, टेन टेन कैंसिल, क्या बचा ए बराबर 90 डिग्री माइनस बी। अब क्या कीजिए, बी को इधर ले आइए, तो क्या होगा ए प्लस, क्यों माइनस इधर आके प्लस, तो हो जाएगा बी बराबर कितना 90 डिग्री, आ गया ना जो लाना था, तो इसको लिख दीजिए क्या सिद्ध हुआ। तो इस तरह से आपका 3 नंबर आ गया, मतलब ये 11 नंबर ना कितना नंबर का है, 3 नंबर का है ना, 3 मार्क्स मिलेगा आपको। तो इस तरह से आपको बना लीजिएगा, बहुत ही आसान है, एकदम तुरंत फटाफट बनता है, बस आपको ध्यान देने की जरूरत है। उम्मीद करूं यह आपको समझ में आया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा 12। आइए आप शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 12 क्या बोलता है कि 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए और इसे 5:8 में विभाजित कीजिए, बोलता है ना, ये रचना का है, रचना का है, बहुत ही आसान है, ध्यान रखिएगा। इस प्रश्न को हल करने के लिए ना आपको क्या चाहिए, चांद स्केल आदि चाहिए ही चाहिए, इसके बगैर आप नहीं बनाइएगा, प्रकार जिसको आप लोग चाप बोलते हैं, तो उसको तो रहना जरूरी है, मैं उसका प्रयोग नहीं कर रहा हूं, मैं पहले भी बोला कि हम केवल बताएंगे, आप उसके माध्यम से करते रहिए। तो हल में क्या करना है आपको, बहुत आसान, कि सबसे पहले ना 7.6 सेंटीमीटर एक लाइन खींचिए, मान लीजिए ये लाइन हो गया 7.6 सेंटीमीटर, है ना, थोड़ा मैं सीधा कर दूं इसको, यदि हो तो, मैं स्केल का प्रयोग नहीं कर रहा हूं, आप स्केल की सहायता से कितना खींच दीजिए, इसको ले लेते हैं बी, इसको ले लेते हैं सी, इसकी जो लंबाई है 7.6 सेंटीमीटर है। उसके बाद किस अनुपात में विभाजित करना है, 5:8, इसको दोनों को जोड़िएगा 8, 5, 13। उसके बाद क्या कीजिए, स्केल की सहायता से अपने सुविधा के अनुसार एक लाइन यहां पर खींचिए सीधा, ठीक है। अब इस लाइन को क्या करना है, 13 भाग में बांटना है, मतलब 13 बराबर भाग में, कैसे बांटिएगा, चाप का ना ये चोक वाला, ये मान लीजिए ये वाला अंगुली मेरा क्या है, नोक वाला है, नुकीला वाला, और ये वाला फिंगर क्या है, पेंसिल है, तो नोक वाला को यहां रखिए, उसका एक चाप काटिए, यहां काट दिए, एक बार काटे ना, एक बार काटे, फिर नोक वाला, ये वाला नोक वाला है तो इसको रखिएगा, फिर यहां से काटेगा 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार 7 बार 8 बार 9 10 11 12 13, हो गया, कैसे काटे ऐसे ही ना, यहां से काटे 1, फिर उठाइए 2 फिर 3, कैसे काटना है ऐसा रख के, ऐसा ना, ये वाला क्या है नोक वाला, तो ऐसे ही 1 2 करके कितना बार काटना है, 13 बार, इसका नामकरण भी करना है, बी है तो B1 B2 B3 B4 B5, क्या करना है B6 B7 B8
बी नाइन, बी टेन, बी एलेवन, बी ट्वेल्व, बी क्या हो गया 30 हो गया, मतलब 13 भाग में तोड़ना है। ये 13 भाग में क्यों तोड़े मैं फिर से बता दूं, 8 और 5 को जोड़ दिए तो कितना हो गया 13 हो गया। अब क्या करना है, इसके लीजिए और ये जो जो हमारा 7.6 है 13 वाला से क्या कर देना है, स्केल की सहायता इसको इस पॉइंट को क्या करना है, इस पॉइंट को मिला देना है। ऐसा आप लोग क्या कीजिएगा, स्केल से मिला दीजिएगा, मिला दिए हम लोग। आप कोशिश कीजिएगा कि इधर उधर ना घस के थोड़ा भी, ठीक। आप मिला दिए फिर क्या कीजिएगा, ध्यान से देखिए, चाप का नुकीला वाला भाग को यहाँ रखिए, यहाँ ऐसा, जैसे मैं ये वाला ऐसा ऐसा रखिएगा, ऐसा रखे उसका अपना सुविधा के अनुसार थोड़ा सा ऐसा रखिए कि आराम से आपका चाप घूमे। तो यहां से रख के ऐसा मान लीजिए मैं यहाँ पर काट दिया, घुमा दिया, ऐसा रखा और ऐसा घुमा दिया, ऐसा घुमा दिए ना, यहाँ घुमा दिए तो क्या हो गया कि यहाँ एक चाप मिला, उस चाप को कम बेसी नहीं करना है। अब उसके बाद आपको क्या करना है ना, पांच, यहाँ देखिए ना, पांच, पांच अनुपात आठ बोला है तो पांच वाला में आइएगा, ये पांच वाला में नुकीला वाला को रखिए कहाँ, इस पांच में। उसके बाद क्या करना है कि आप ना इसको लेके वही जितना बड़ा ऐसा चाप लिए थे ना, यहाँ यहाँ से यहाँ लिए थे चाप, तो यही मोटा मोटी यहाँ से लेके क्या कर दीजिए, ऐसा घुमा दीजिए, फिर कहाँ जहाँ से ये लाइन को छूते हुए, इस लाइन को छूते हुए इस तरह से क्या कर दीजिए, आप घुमा दीजिए, हो गया। अब चाप को कम बेसी कर सकते हैं, लेकिन जब ये वाला और ये क्या खींचेगा तो चाप को कम बेसी नहीं करना है। अब क्या करना है, इस पॉइंट पर यहाँ पर जो हम लोग ये चाप लिए हैं यहाँ पर ना नुकीला वाला को रखिए। अब यहाँ से ना पेंसिल को ना इस बिंदु पर सटाइए, यहाँ मतलब कितना चौड़ा है उसको नापना है, तो यहाँ करके ऐसे नापेंगे ऐसा, तो इस तरह का कटान बिंदु दिखेगा, यहाँ कटान बिंदु दिखना चाहिए ताकि सर लोग को पता चले कि यहाँ पर हम लोग चौड़ाई नापे हैं। अब ये जितना चौड़ा है कम बेसी नहीं करना है, उसी को नुकीला भाग को यहाँ रखिए और क्या करना है, यहाँ ये यहाँ काट दे, जहाँ कटे वहां काट देना है। जो ये कटान बिंदु मिलेगा ना, इस कटान बिंदु को यहाँ से क्या कर दीजिएगा, आप मिला दीजिएगा। जो कटान बिंदु मिलेगा हमेशा देखिएगा इस रेखा के समानांतर मिलेगा। हो सके मेरा थोड़ा टेढ़ा दिख रहा होगा, तो हो सके मैं तो बिना नाप का बनाया हूं ना, तो ये रेखा इसके साथ क्या देखिएगा, समानांतर। चाहो तो मैं इसको थोड़ा ठीक कर दूं ताकि आपको और थोड़ा क्लियर हो जाए। हो सके मान लीजिए यहाँ नहीं कट के थोड़ा यहाँ कटेगा, यहाँ कटेगा ना, तो ये जो कटान बिंदु है इसको मैं मिला रहा हूँ, तो देखिए इस तरह की आकृति आपको देखने को मिलेगी, जहाँ जो कटान बिंदु होगा वहीं से मिलाइएगा। तो ये हो गया, आप देखिए समानांतर दिख रहा है, तो ये जो बिंदु होगा इसी बिंदु पर 5:2 क्या होगा, 8 का होगा, मतलब इधर से पांचवा पांच भाग तो इधर से आठ भाग होगा। तो इसी का कोई नाम चाहिए तो दे दीजिए, एबीसी, तो यहाँ यहाँ पर ए डालिए या तो ओ डाल दीजिए, आपकी मर्जी है कोई भी नाम। तो इस तरह से हम लोग कोई भी रेखाखंड को इस विधि से बांट सकते हैं। ये तो आपका जो एक्सरसाइज है रचना वाला ना, रचना वाला का पहला ही क्वेश्चन है, आप एक्सरसाइज उठा के देखिएगा, रचना का पहला एक्सरसाइज है, उसका पहला क्वेश्चन है, तो इसी तरह से इसको बनाना है। बस आप जो मैं जो इंस्ट्रक्शन दिया हूँ, आपको जो निर्देश दिया हूँ, उसको फॉलो करते रहिए, बनाते रहिएगा, एकदम आराम से 3 नंबर आ जाएगा। उम्मीद करो समझ में आया होगा, तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 13 शुरू करते हैं। क्या बोलता है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं खींचे जो परस्पर 60 के कोण पर झुकी है। ये भी रचना से है, क्योंकि आपका 7 क्वेश्चन मिलेगा सेक्शन बी में, उसमें 5 बनाना है, तो देख लीजिएगा रचना से एक बनाना रहेगा, तो जो आपको आसान लगे उसी को बनाइएगा। ये भी रचना से संबंधित है, तो हल में क्या करना है आपको, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं खींचे। सबसे पहले क्या कीजिए, आप चाप लीजिए, स्केल को नापिए कितना, 5 सेंटीमीटर। स्केल को क्या कर दीजिए, आप कितना नाप दिए, 5 सेंटीमीटर नापे ना, ऐसा स्केल को लेके चौक वाला को यहाँ रख के ऐसा 5 सेंटीमीटर का चाप होना चाहिए। उसके बाद आप क्या कीजिएगा ना, उसको कहीं पर भी आपका जो जितना स्थान दिया रहेगा आपका आंसर शीट में, तो बीच में या बीच से थोड़ा सा नीचे साइड में रखिएगा और उसको क्या कीजिए, एक वृत्त बना दीजिए, बना दिए, ये आपका त्रिज्या कितना हो गया, 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर सेंटर होगा ना, तो ये केंद्र हो गया, तो इसका जो त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर का है, 5 सेंटीमीटर वाला वृत्त बन गया। दूसरा काम क्या कीजिए, आप यहां से एक व्यास खींचिए, व्यास जानते हैं,
जो केंद्र से होकर गुजरती है और परिधि को मतलब इसको एक छोर से दूसरे छोर पर छूती है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, व्यास कहते हैं। तो यहां पर ओ हो गया, अब इसका नाम दे देते हैं ए बी। उसके बाद क्या करना है आपको, दूसरा काम यहां पर ना इधर से क्या करना है 60 डिग्री का कोण बनाना है। ए साइड से बनाइएगा, किस बिंदु पर, ओ पर, क्योंकि यहां पर 60 कोण पर झुकी है ना बनाना है। तो क्या कीजिए, यहां से चौक वाला को यहां रखिए, आप जानते होंगे 60 का कोण बनाना, यहां रखिए चौक वाला को, चौक वाला समझ रहे हैं हम लोग, एकदम सिमडेगा भाषा वाला यूज कर रहे हैं, एकदम नोक वाला, नुकीला वाला को बोलते हैं हम लोग चौक वाला। तो मैं नुकीला वाला भाग को यहां रखने बोल रहा हूं, यहां रखिए, उसके बाद यहां से एक चाप ऐसा घुमा दीजिए, चाप को कम बेसी मत कीजिए, फिर नुकीला वाला भाग को यहां रखिए और एक चाप यहां से काट दीजिए, जो इस को जहां पर काटा है मतलब उस कटान बिंदु को क्या कीजिए आप, यहां से सीधा एक रोटेड लाइन में खींचे या तो लाइन में इस तरह से खींच दिए, बन गया आपका, या तो इसको थोड़ा मैं छोटा कर दूं, इतना हो गया ना। ये पक्का आपका कितना डिग्री का होगा, 60 डिग्री का होना ही है, ये कितना डिग्री का होगा, 60 डिग्री का होगा। दूसरा काम क्या करना है आपको कि अब ए पर क्या कीजिए, ए पर 90 डिग्री का कोण बनाइए, इस बिंदु पर, यहां पर कैसे बनाइएगा 90 का, एक चाप, वही कोई अपने अनुसार चाप लीजिए और यहां से यहां क्या कर देना है, घुमा देना है, जहां भी घूमे कोई फर्क नहीं पड़ता हमको। अब क्या करना है आपको, ये जो नुकीला वाला भाग को इस पॉइंट पर जहां पर ये वाला गया है ना, इसी को इस पॉइंट पर क्या करना है, रखिए नुकीला वाला भाग को। अब नुकीला भाग को रखिए, यहां पर एक चाप काट दिए, जहां भी कटे उस कटान बिंदु में फिर नुकीला भाग को रखिए और फिर इसको एक बार काटिए ताकि ये ऐसा चल जाए। ऐसा चल जाएगा तो क्या कीजिए, फिर इस यहां जो कटान बिंदु है यहां पर नोक वाला को रखिए, ऐसा रख के क्या करना है, इसको इस तरह से काट देना है। तो जहां कटान बिंदु होगा ना उसको यहां से मिलाइए, या तो इसको तो पूरा का पूरा लाइन खींच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये वाला है कि आपको 90 डिग्री का कोण मिलेगा। यदि आपको मन करे तो इसको, इसका आप स्पर्श रेखा खींचने बोला है इसलिए ना आप इसको पूरा का पूरा रोटेट लाइन नहीं रख के डायरेक्ट आप इसको इस तरह से खींच दीजिए। खींचा गया, अब सेम काम ना यहाँ पर, ये जो 60 डिग्री का कोण बनाया है ना, तो यहाँ पर जाइए इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर मान लीजिए कोई भी नाम दे देते हैं इसको, ए बी है तो यहाँ पर सी दे दीजिए, ओ लिए हैं तो यहाँ पर पी दे दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जो काम यहाँ 90 डिग्री का बनाए, सेम काम इधर से देखिएगा, इधर से 90 का, तो यहाँ से नोक वाला को रखिए कोई भी चाप से, फिर यहाँ से क्या कीजिए, घुमाइए, यहाँ घुमा दिए, यहाँ अब उसी चाप को कम बेसी नहीं करना है, ये नोक यहाँ पर रखिए या तो इधर से रखिए, आपकी इच्छा, दोनों तरफ से बनता है। तो मैं यहाँ रखा एक चाप काटा यहाँ, फिर यहाँ नुकीला भाग को फिर यहाँ रखा, फिर इस चाप को काटते हुए मैंने इसको घुमा दिया थोड़ा, ऐसा रहेगा ना, यहाँ से फिर इसको घुमा दिया, ये यहाँ पर ये ज्यादा आ गया है, इसको मैं कर दूं यहाँ। अब क्या किए, इसका जो कटान बिंदु है ये वाला का, ये जो कटान बिंदु है यहाँ से नुकीला भाग को ऐसा रखेंगे, फिर इसको क्या कर देंगे, यहाँ काट देंगे, कट गया। यहां से ये पॉइंट और इस पॉइंट को क्या कीजिए, यहां पर स्केल से मिला दीजिए, ऐसा मिला दिए ना, तो ये जो हुआ ए पी, और यहां दे दीजिए कोई भी नाम, यहां दे दीजिए हम क्या दे देते हैं, सी। तो ये ए सी और या तो सी ए और सी पी क्या हो गया, एक कैसा स्पर्श रेखा, तो दो स्पर्श रेखा बोला है, तो यहां सी ए और सी पी दो स्पर्श रेखा हो गया। इसको नापिए जरा, इस कोण को 100 नहीं 200% कितना डिग्री का होगा, 60 डिग्री का होगा ही होगा। इसको मैं थोड़ा ठीक से लिख दूं, क्योंकि 60 डिग्री इधर से आपको तो देखना है ना, ये 60 डिग्री का होना ही होना है, हम लोग बहुत बार बना चुके तो आपका भी सही होगा ही होगा। तो इसलिए लिख दीजिएगा, इसलिए अभीष्ट कोण, यहाँ पर अभीष्ट कोण मतलब जो कोण बनाने दिया है, अभीष्ट कोण बराबर आपका क्या हो जाएगा, कोण, अभीष्ट कोण क्या, ए सी पी, अभीष्ट कोण ए सी पी, इसको इस तरह से भी लिखते हैं, देखिए इस प्रकार आपका अभीष्ट कोण क्या हो जाएगा, ध्यान रखिए, अभीष्ट कोण
ए सी पी बराबर कितना 60 डिग्री, 90 नहीं 64 डिग्री, 60 डिग्री हो गया। यही आपका क्या है आंसर। तो इस तरह से आपका रचना बन जाएगा, कठिन नहीं है, बस आप जो स्टेप बता रहा हूं उसको फॉलो करते रहिए, आपका बनेगा ही बनेगा। तो मिलते हैं लास्ट क्वेश्चन सेक्शन बी का 14 नंबर। चलिए अब आपका लास्ट क्वेश्चन किसका सेक्शन बी का देखते हैं। ये प्रायिकता से है कि एक थैले में 1 लाल 5 काली और 3 नीली गेंद है, निशा बिना थैले के अंदर झांके इसमें से एक गेंद निकालती है, इसकी क्या प्रायिकता है कि गेंद ए काली है, बी लाल है और सी नीली है। ये 3 नंबर का है, 3 तो है, सब में एक एक नंबर होगा। तो ध्यान रखिए ऐसा प्रश्न को छोड़ना नहीं है, बहुत ही आसान है। तो हल में क्या कीजिएगा आप ध्यान रखिए, क्योंकि आपको मैं बताया हूं कि प्रायिकता बराबर क्या होता है फॉर्मूला, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, या तो अनुकूल परिणामों की संख्या डाल दीजिए या कुल परिणामों की संख्या नीचे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले ना क्या कीजिएगा आप, इसमें कुल परिणाम निकालिएगा, कुल परिणामों की, कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या बराबर क्या है आपका, कुल परिणामों की संख्या 1 5 3, मतलब 1 जोड़ 5 जोड़ क्या हो गया 3, इसको मैं ठीक से थोड़ा लिख दूं, बराबर कितना 5 3 8 क्या हो गया 9, बस हो गया। अब ए नंबर लगाइए, ए नंबर ए का पहले बनाते हैं, काली है तो अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम या तो अनुकूल परिणाम या तो अनुकूल परिणामों की संख्या, ये भी कर दे, अनुकूल परिणाम बराबर भी लिखिएगा तो भी चलेगा, अनुकूल परिणामों की संख्या लिखिएगा तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बराबर देखिए क्या है, काली है, ए बना रहे हैं ना, इसलिए काली है, काली कितना है 5 काली गेंद है ना, तो यहां डाल दीजिए 5। तो क्या कीजिएगा, प्रायिकता बराबर, प्रायिकता बराबर या तो लिखिएगा काली है इसलिए काली गेंद, काली गेंद होने की प्रायिकता बराबर क्या होगा, अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या, परिणामों की संख्या, संख्या इसको शॉर्ट कर दे रहा हूं, बटे कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की, कुल परिणामों की क्या हो गया संख्या। आसान है, बस कुछ नहीं करना है, ये अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या कितना निकाल है 9, तो नीचे लिख दिए 9, और अनुकूल परिणामों की संख्या कितना है देखिए 5, तो लिख दिए 5/9, यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। तो एक तो बन गया ना, 3 है उसमें से एक बन गया, बहुत ही आसान है। तो उम्मीद करूं ये समझ में आया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं किसका बी सेक्शन, बहुत आसान है। अब बी में क्या करना है, लाल है तो लाल होने की प्रायिकता है, मतलब निशा जो बोल निकाली है लाल है, कैसे जानेंगे, कुल परिणामों की संख्या तो नहीं होगा, मैं जानबूझ के नहीं मिटाया हूं इसको, अब अनुकूल परिणामों की संख्या निकालना है, इसको मिटाया दिया हूं, तो अनुकूल परिणामों की संख्या कहां से मिलेगा, देखिए लाल है तो लाल का एठो है 1, तो फिर वही क्या लिखेंगे यहां पर 1, लिख दिया मैं 1। तो शुरू में फॉर्मूला डाल चुके हैं इसलिए डायरेक्ट लिखेंगे क्या, लाल गेंद, लाल गेंद, लाल गेंद है, लाल गेंद होने की, होने की प्रायिकता, होने की प्रायिकता बराबर, आप चाहें तो लिख सकते हैं फिर से, या तो एक बार फॉर्मूला लिख चुके हैं तो बार बार लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, फिर भी आपको लिखने की इच्छा होगा तो लिख दीजिएगा यहां पर, अनुकूल परिणाम, अनुकूल या तो पूरा ही लिख देता हूं, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे आपका क्या हो जाएगा, कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या हो गया ना। अब देखिए बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या क्या है आपके पास 1, तो लिख दीजिए यही ना, ये वाला 1 डाल दिया, फिर कुल परिणामों की संख्या आपका है 9, हो गया आंसर, कितना फटाफट बनता है देखिए।
आपको एक बार लिखने के बाद जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लाल गेंद होने की प्रायिकता बराबर यहाँ पर 1/9 ऐसा भी लिख सकते हैं। क्लियर हुआ? तो चलिए शुरू करते हैं सी नंबर। सी नंबर में क्या करना है, नीली गेंद है निकालना है ना, तो कुल परिणामों की संख्या सेम 9 ऐसे रहने दीजिएगा, मतलब एक बार इसी को लिखना है, बार बार नहीं, एक बार लिखिए लेकिन हाँ अनुकूल परिणामों की संख्या बार बार लिखिएगा सी नंबर में, है ना। सी नंबर लगे, मान लीजिए मैं अभी बी नंबर में नहीं लगाया हूं उसको बी, तो इसको बी लगा दीजिएगा, इससे पहले वाला को बी लगाइएगा, ये वाला क्या हो जाएगा सी लगा दीजिएगा। यहाँ पर हर एक बार मतलब ए यहीं पर बदलेगा, बी यहाँ होगा, सी होगा, ये कुल परिणामों की संख्या सेम टू सेम यही छाप दीजिएगा, है ना। वो तो रहेगा ही रहेगा, बार बार लिखने की आवश्यकता है ही नहीं, एक बार लिख चुके हैं मतलब उसको रहने दीजिएगा, क्योंकि सभी में यहाँ पर कुल परिणामों की संख्या क्या होगा 9 ही होगा, क्योंकि टोटल कितना गेंद है 9 गेंद है। तो ए में क्या लिखे थे हम लोग, अनुकूल परिणामों की संख्या में 5 लिखे थे, क्यों, क्योंकि काली है। अब बी में मैं फिर से रिपीट करता हूँ, बी में क्या लिखे हैं, अनुकूल परिणामों की संख्या क्या, लाल बोला है इसलिए 1, यदि मैं वहां पर भूला गया हूं तो क्या लिख दीजिएगा, यहाँ पर बी लिखिएगा और ये सी हो गया। तो देखिए सी अनुकूल परिणामों की संख्या कितना हो जाएगा, देख लीजिए सी क्या है, नीली गेंद, तो नीली का एट है देखिए 3, तो मैं क्या लिख देता हूँ 3 हो गया। तो इसलिए नीली गेंद होने की प्रायिकता बराबर क्या होगा, बस वही सेम फॉर्मूला नहीं भी लिखेंगे तो डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लिखेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ 3/ क्या कर दीजिएगा 9, काट के हल कर दीजिएगा, 3 × 3 = 9 बराबर क्या हो गया 1/3, ऐसा भी लिखिएगा तो आपका क्या होगा आंसर। फॉर्मूला बार बार, एक बार फॉर्मूला लिखे एक ही एक क्वेश्चन के लिए, अलग अलग क्वेश्चन है तो फिर लिखना पड़ेगा, लेकिन एक क्वेश्चन के लिए एक बार लिख लिए हैं तो उसी के अनुसार हम लोग बनाएंगे। तो मैं यहाँ पर 2 बार तो फॉर्मूला लिख दिया, एक ही बार लिखने से भी चलेगा, तो लास्ट में मैं नहीं लिखा, डायरेक्ट लिख दिया नीली गेंद होने की प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या क्या है 3, कुल परिणामों की संख्या 9, काट दिया 3 × 3 = 9 1/3, ये आंसर मिल जाएगा। तो इस तरह से आप ना सेक्शन बी को जल्दी से हल कर लीजिएगा, मैं बोला था कि कल ही दूंगा लेकिन नहीं दे पाया कुछ व्यस्तता के चलते, और आप इसको बना लीजिएगा सेक्शन बी। सेक्शन सी मैं आपको तुरंत दे दूंगा, इसलिए कि एग्जाम सामने है और जितना भी सेट है मैं जल्दी जल्दी डेली में देके आपको खत्म करूंगा, ताकि आप एग्जाम में इसका फायदा उठा सकें। मैं उम्मीद करूँ समझ में आया होगा। तो मिलते हैं कौन सा सेक्शन सी में, और उम्मीद करूँ कि आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दिए हैं, यदि नहीं किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि और लोग भी देख सके, आप भी अच्छे से देखिए, आपको मेरा वीडियो तुरंत मिल जाए। और उम्मीद करूँ कि इस मॉडल प्रश्न के बाद भी बहुत सारा आपको मैं दूंगा, क्योंकि स्पोकन क्लासेस भी मेरी चलती है इसमें, तो आप मेरा चैनल में जाके स्पोकन क्लास भी ले सकते हैं, ताकि आप इंग्लिश सीख सकें और इंग्लिश बोल सकें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।